नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। और आज हम देखने वाले हैं कुछ पेपरबैक्स जिसे हाल ही में रिप्रिंट किया है RCMG यानी कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने। इसमें है तौसी, भेड़िया और किंग कॉमिक्स के कुछ पेपरबैक्स। तो अब अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर ली थी, है ना, तो अब सीधे प्रोडक्ट्स देखते हैं और क्वालिटी की जाँच पड़ताल करते हैं, कॉमिक्सों को देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट बाय आई थिंक भेड़िया से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहली कॉमिक से बली, धीरज जी का आर्टवर्क है। कवर थोड़ा मोटा लग रहा है, मोटा ही है। ओके, प्रिंट मैट ग्लॉसी है आपका, ओरिजिनल मौलिक संस्करण, बम का एड, क्या बात है। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स हैं, अगर आप कलेक्ट करते हैं तो बेशक जाइए और कलेक्ट कर सकते हैं इसे, क्योंकि राजनगर की तबाही का एड भी है पीछे। थोड़ी सी कॉमिक्स दब सी गई है, बट ठीक है, चलेगा इतना। देन वी हैव लुटेरा शेर, बहुत ही शानदार कहानी है। ओके, भेड़िया को उसी की टक्कर का एक बंदा मिलता है और यहाँ पे एक चिंपांजी भी है जो बहुत खतरनाक है। कहानी रिवील नहीं करूँगा आपको, आप इसे खरीदें पढ़े। और ये जो मैसेज था इस कॉमिक का मुझे बहुत पसंद था, जंगल बचाओ जानवर बचाओ। तो आजकल कम ही देखने मिलते हैं ऐसे मैसेज कॉमिक्स में, लेकिन इट्स अ गुड थिंग टू सी इन कॉमिक बुक्स। यू नो, बच्चे पढ़ते हैं तो बचपन में आप जो उन्हें बताते हैं वो आगे जाके उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट। कहानी बहुत अच्छी है, ट्विस्ट भी है, आप डेफिनेटली पढ़ें इसको, बहुत अच्छी कहानी है। नहीं पढ़ा तो बेसिकली पढ़िए, है आपके पास तो कोई बात ही नहीं है फिर। देन वी हैव लसकुला, दिस इज ऑल्सो भेड़िया। धीरज जी का आर्टवर्क कमाल का है, लेकिन देख रहे हैं आप, उनकी एक खासियत थी, चेहरे पर पसीना बहुत बनाते थे वो, और आप अक्सर इसको देख पाएंगे उनके आर्टवर्क में। प्रेरित है थोड़ा पाश्चात्य शैली से उनका आर्टवर्क, और कमाल का आर्टवर्क लगता था मुझे तो। भेड़िया की लगभग सभी कॉमिक्स उस समय मैंने ली थी, बट ये जनरल्स अवेलेबल नहीं होती थी, विशेषण तो एक बार आपको मिल भी जाते थे। कवर देखिए आप, नहीं रहेगा आतंक का, कितना शानदार कवर है। कॉमिक्स का प्रिंट अच्छा है। ओके, मौलिक संस्करण में सारे अंक लगता है मुझे प्रकाशित किए गए हैं। मैट ग्लॉसी फिनिश पे पेपर है, बस कवर थोड़े से मोटे हैं, बाकी और कोई तकलीफ मुझे नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्हें फिर से प्रकाशित किया गया है हम पाठकों के लिए। बागड़ बिल्ली, ये काफ़ी फेमस कॉमिक्स थे अपने टाइम की, लाइब्रेरी में काफ़ी डिमांड होती थी इसकी, आई रिमेम्बर। क्लियर कट, इवन जब क्रिकेट के मैचेस खेलने जाते थे हम तो वहाँ पे भी काफ़ी डिस्कशन होता था कॉमिक्सों को लेके, क्योंकि तब वीडियो गेम्स या टिकटॉक या रील्स या इस टाइप की चीज़ें तो होती नहीं थी। तो हम मैदान में रहते थे या घर पर रहते थे, घर पर रहते थे तो कॉमिक्स पढ़ते थे, मैदान पर रहते थे तो फिर क्रिकेट खेल और इन सब की बातें होती थी, कॉमिक्स की बातें होती थी। और अगला अंक है गुलामों की घाटी, ये भी भेड़िया का है। सो इनमें से कुछ मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, आज तक मैंने पढ़ी ही नहीं है बेसिकली। ओहो यार, इसे मिस नहीं कर सकते आप लोग, बेशक लीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा आपको। चाहिए तो मनीष जी की जब आएंगी तब लीजिएगा, या आपको सिंगल इशूज़ चाहिए तो आप मनोज जी को भी प्रेफर कर सकते हैं। क्वालिटी आपको पता ही है ना, ज़्यादा बात नहीं करेंगे उस पर। लेकिन वाह, पहली बार देखा इसका कवर, हत्यारा, नाम नहीं सुना था आज तक, क्या बात है, कमाल, कमाल का काम है यार धीरज जी का बेसिकली। बाकी थैंक्स टू मनोज जी ऑल्सो, वो प्रिंट कर रहे हैं ताकि हमें ये मिल जाए कॉमिक से कलेक्शन के लिए, पढ़ने के लिए। खोटा बैंक का ऐड ये सब ऐड भी नहीं दिखे आज तक, चीकी की चिड़ी देख रहे हैं आप, ये सब तो खैर पुराने ऐड्स हैं, बट जो जनरल कॉमिक्स के ऐड हैं वो दिखते नहीं हैं। देन वी हैव चुनौती, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा है। फिर है भेड़िया का कानून, यहाँ पे भेड़िया का एक दोस्त भी है जो आप देख सकते हैं, क्या बात है। छोले, अरे ये कॉमिक्स पढ़ी क्या किसी ने, अरे रिप्रिंट करो इसको भाई क्या कमाल है भाई, कमाल है, छोले गजब। ये क्या कॉमिक्स समाप्त हो रही है यहाँ पे। आर्टवर्क आप बिल्कुल तारीफ कर सकते हैं आंख बंद करके, इतना शानदार आर्टवर्क है। ये भी धीरज जी का ही लग रहा है बना हुआ ऐड, वैसे नरेश कुमार बनाते थे बोल नहीं सकता, बट कानून का सिपाही का ऐड है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे
तौसी के सेट की, यहाँ पे है तौसी और गिद्ध, ये डाइजेस्ट है। विशेषांक बेसिकली ऋतुराज जी के बारे में यहाँ जानकारी है और यहाँ पे टीम का नाम भी है। ओके, कदम स्टूडियो का आर्टवर्क कमाल ही है, नहीं मिस कर सकते, बेशक खरीदिए जाके, बिल्कुल खरीदिए मैं तो कहूँगा, है ना, बहुत बढ़िया। देन दूसरा यहाँ पे विशेषांक है तौसी और गिद्ध, तो ये दो पार्ट की सीरीज लगता है मुझे, क्या बात है, ये क्वालिटी वाकई में अच्छी है। तौसी की कॉमिक्सों की क्वालिटी अच्छी है, हालांकि कवर वैसे ही हैं, थोड़े थिक हैं, पेजेस आपके मैट ग्लॉसी फिनिश पे हैं, अच्छे हैं, अच्छा प्रिंट हुआ है, नो डाउट। तौसी के फैंस आप बिल्कुल मिस मत करिए। अरे ये कैसे हो सकता है, ये देख रहे हैं आप, ग्रेट अंगारा का एड छापा हो पीछे, अरे क्या बात है, इधर भी के चक्कर क्या है ये कॉमिक्स इंडिया भी तो अंगारा निकाल रहा है यार, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, पता नहीं, एनीवेज जो भी है, तौसी और कालिया शैतान पेपरबैक है। सो मोटो आपका यही कि कॉमिक्स दिखा दूं आपको, तो आप लोग अपना मन बना ले, अगर आपने नहीं खरीदी है तो बेशक जाके खरीदिए, और मतलब क्वालिटी का आपको अंदाज़ा पड़ जाता है ना। ये है यक्ष की बेटी, बहुत बढ़िया आर्टवर्क है, और फिर आप इसे खरीद भी सकते हैं। इसका एक पोस्टर भी आया है सेम, लेकिन वो अभी मिला नहीं है, तो मे बी अगले किसी पार्सल के साथ आएगा, जहाँ तक मुझे भरोसा है। ओके, तौसी और G18, तौसी सभी का पूरा होने वाला है कलेक्शन, बहुत शानदार आर्टवर्क, आप देखें दिल खुश हो जाएगा आपका, क्या बात है। ये तौसी के सभी जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, अभी विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर भी। इच्छाधारी नेवला बड़ा बदमाश है यार, ये तो अभी आपको RCSJ की कॉमिक्स में भी दिख ही रहा होगा, नागराज से टकरा रहा है ना, प्रलय का देवता जो चल रही है। यक्ष की बेटी, अच्छा अगला पार्ट था इसका। तौसी की प्रतिज्ञा, यहाँ कुछ गायब है, पता नहीं क्या गायब है, जो भी होगा क्लीन कर दिया गया है। सो गाइस कॉमिक्स से सभी अच्छी है, ओके आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। ये है जादूगर मुंडा, क्या बात है, अरे यार कमाल काट पर क्या, मतलब अब तो लगता है तौसी का आर्क पूरा शुरू करना पड़ेगा, शुरुआत से कॉमिक्स से सभी मिली गई हैं, काफ़ी सारी प्रिंट कर दी हैं, सीक्वेंस मुझे ठीक पता नहीं है, ओके लेकिन लगभग सभी कॉमिक से आ रही हैं। ये है तौसी का जादू, तो जादू भी जानता है क्या तौसी, क्या बात है। भूतों का राजा, जम्बू, अंगारा, सभी के ऐड दिख रहे हैं अब तो, क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन जो भी चल रहा है इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही है आपको कॉमिक्स तो मिली रही हैं पढ़ने के लिए, राइट। और यार उसके बाद बात कर लेंगे फटाफट बिल्कुल किंग कॉमिक्स की, ये पहली कॉमिक्स है लिजा करके, ओके कवर बहुत मोटा है नो डाउट, चित्रांकन जो है विनोद भाटिया जी का है, कमाल, काफ़ी बढ़िया आर्टिस्ट हैं। अभेद का एड, क्राइम स्कूल, तो एड सारे पुराने देने की कोशिश की गई है, ओके ये हो गया पहला अंक, अच्छा प्रिंट हुआ, बस कवर मोटे हैं और मैट ग्लॉसी फिनिश है। दिलीप चौबे जी का आर्टवर्क है, यह है षड्यंत्र, अभेद सीरीज। फिर है ब्लाइंड डेथ की पहली कॉमिक्स, तो ये अंधा है लेकिन अपना जो नायक है, इसे आपने राज कॉमिक्स के साथ 2-in-1 में भी देखा होगा, तिरंगा विरंगा के साथ एक दो कॉमिक्स आई हैं इनकी, है ना, साथ में ब्लाइंड डेथ। फिर खूने खजाने की खोज, वर्मा जी का आर्टवर्क है, बहुत शानदार, बहुत वर्मा जी ने काफ़ी काम किया किंग कॉमिक्स के लिए, मुझे बड़े पसंद थे वर्मा जी, ये धीरज वर्मा नहीं है अपने, दूसरे आर्टिस्ट हैं, ओके कृष्णलाल वर्मा जी हैं, और बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे यार अपने टाइम के। कंकाल दत्त, जनरल कॉमिक्स टाइप की है, त्रिधाड़ू का लड़ाकू, ये पढ़ी मैंने, क्या बात है,
जसवंत सिंह नाहर जी का आर्टवर्क है, भोकाल बनाते थे वो राज कॉमिक्स के लिए। ये भी बढ़िया कॉमिक्स है। सब मिल के फिर मारते हैं एक बदमाश को। देन वी हैव छिपकली, ये भी लीजा सीरीज की है। क्या बात है, बढ़िया। शैतान झराकू, प्रताप मुलिक जी का आर्टवर्क, लग तो नहीं कर रहा है। क्या बात, हाँ कला निर्देशन प्रताप मुलिक दिख ही गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, ये तो क्लासिक है। यहाँ वेगा का ऐड भी है, क्या बात है। मैडम किरली, और अंत में है यहाँ क्राइम स्कूल, ये भी ब्लाइंड एंथ की है कॉमिक्स, क्या बात है। इस सेट की कॉमिक्स से कुछ आएंगी और, अभी तक आई नहीं है, लेकिन प्रिंट अच्छा है। चौबे जी का आर्टवर्क है मैडम किरली। आई थिंक गाइस प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बस कवर और पेजेस मैंने आपको बता ही दिया। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कॉमिक्स बाइट, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ।